She is क्या बोलो मम्मी भाई चाय तो बाहर अब तो अच्छा ही ऑन आगे थप्पड़ लगेगा डालेगी थप्पड़ लगेगा वो जो छोटी दिख रही है ना उसको पलट के आ जा रहा अफगानी सलवार से कंटेंट बन रही है यार मैं तो आ दूँ क्यों वो बन रही है सो गाइस आई नो Most of you already know that. बहुत लोगों को हिंट पहले से मिल गया था बट मेरी तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं था पहले से क्योंकि मुझे करना नहीं था इतनी जल्दी रिवील इसका मेरे कंधे दर्द हो रहा है आज मैं ज्यादा हंस ली शीट लगाई थी ना सच में दर्द हो रहा फेक लाफ करा तू फेक लाफ रियल लाइफ लाफ करती हूँ मैं अपने रियल फ्रेंड्स के साथ तो गाइज आप लोगों को पहले से ही हिंट था इस चीज़ का बट मैंने अपनी तरफ से रिवील नहीं किया था क्योंकि नजर लग जाती है गाइस बट दिक्कत बन रही है इसके तो सो आज मैं वो न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको शेयर करने के लिए मैं बेसब्री मतलब सब्री से मैं इंतजार कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे न्यूज़ शेयर करनी है करनी है करनी है करनी है करनी है और आप सब लोगों के साथ मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे थे कि आशी किसकी शादी की शॉपिंग हो रही है क्या हो रहा है और ये मैडम बन गई और बन गई चौधराइन किसकी शादी है आर यू गेटिंग मैरिड और ये सब तो अच्छे से करेंगे तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आई एम Oh guys, she is getting तो उसकी उम्र निकल जा रही कुछ ना आए घर में बैठ रही दुख दिखा इस गैस बचा लो मुझे आप ही मेरे आखिरी सांस हो खुशी हुई और इतनी खुश अपनी शादी से है ना भाई मैं शादी से बहुत ज़्यादा डरती थी मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा शादी के नाम से भी ना मैं रोने लगती थी कि भाई मतलब क्या ये हो जाएगा ऐसे ऐसे लेकिन यार कहते हैं कि भगवान जो चाहता है ना जब चाहता है वो चीज़ तभी होती है हमारे ना करने से कुछ भी करने से कुछ नहीं होता सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो उसमें अब हम उस चीज़ को ये लेके बैठे कि नहीं यार अभी क्यों हो रही है या बाद में होती तो कोई फायदा तो पता है कि होनी तो है होनी है ही हम ये तो नहीं कर सकते ना एक्टिंग वाले नहीं हम तो हम घर में रहेंगे हम जीवन में नहीं करेंगे तो अब जब हो ही रही है तो अपने सारी चीज़ें की खुश होके करो और जब आपको लगे कि अब आप सेटिस्फाई हो अपने मन से तभी फिर इस चीज़ के लिए आगे स्टेप लेना चाहिए और मैंने बस वही चीज़ें सोच के किया है सब हालांकि बीच बीच में ना कभी मुझे ऐसे थॉट्स आ जाते कि यार कभी मैं जल्दी तो नहीं कर रही ये वो मतलब बहुत थॉट्स आते हैं बट फिर मैं ना एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि यार भगवान जो चाहता है जैसे चाहता है सब कुछ वैसे ही होगा तो जो हो रहा है उसके साथ गो विद द फ्लो जैसे आपको भगवान लेके जा रहे हैं वैसे चलते रहो और अपना खुश रहो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इन्जॉय करो आज नहीं तो कल गाइस करनी है बट जब आप सेटिस्फाई हो जब आपके अंदर से आवाज़ आए कि हाँ यार आई एम रेडी नाउ तब ही इस चीज़ के लिए फिर आगे बढ़ना चाहिए मुझे ऐसा लगता है गाइस मेरा ना पहले जो माइंडसेट था वो ऐसा था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है ऐसा नहीं है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लेकिन मेरे मिक्स्ड इमोशंस हैं अभी मतलब कैमरे पे और वीडियोस वगैरह में ऐसा लगता है बट मेरे ना मिक्स्ड इमोशन है मिक्स्ड इमोशंस वो वाले हैं ना कि चल दुख होता है कि यार अपने घर छोड़ के जा रहे हैं ऐसा कुछ पर वैसे वाले खुश है कि दिल से यार चल सब कुछ परफेक्ट है हाँ। वो वाली खुशी तो है परमानेंट है वो कोई वो नहीं है कि चला जाएगा वो इमोशन अभी है अभी नहीं है नहीं बस इमोशन थोड़े जब बात पर डिगमगा जाते हैं कि अपना घर छोड़ रहे हैं तो वो तो इतने साल जिस घर में मतलब स्पेंड किया उसके बाद फिर एक नए घर में जाना बहुत सारे थॉट्स आते हैं मतलब इतने ज़्यादा कि मतलब अनकाउंटेबल इतने ज़्यादा थॉट्स आते हैं तो कभी मतलब खुशी भी होती है इस चीज़ की बट बहुत चीज़ों का दुख भी होता है कि जो पहले रिश्ते थे वो सारे मतलब यहीं पे छूट जाएंगे जो भी गाइस मैं अपनी ना रोके की वीडियो लगाऊंगी आगे तो आप वो देख लेना बाकी उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ मेरा रोका हुआ था कब हुआ था सेकेंड या थर्ड फेब को हुआ था आई गेस सारी चीज़ें बहुत एकदम मतलब सडन हुई थी
बहुत सडन जिसे कहते हैं ना, कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी मतलब शादी ऐसे इतनी जल्दी हो जाएगी। अभी मेघना दीदी की हुई थी कि एक साल के अंदर अंदर मेरे लिए मतलब सारी चीज़ें ऐसे हो जाएगी कि मेघना दीदी के बाद मेरा नंबर आ जाएगा। मुझे मतलब मैंने सोचा भी नहीं था क्योंकि मुझसे अभी बड़ी बहनें भी हैं हमारी, तो मुझे लगा था पहले उनकी होगी। लेकिन कहते हैं ना वो जो चाहते हैं और जब होना होता है तभी होता है सब चीज़ें। बहुत ज़्यादा सडन थी, सिर्फ देखने गए थे और वहीं पे ही मतलब सारी चीज़ें हो गई, रोका वगैरह बैठी। फिर मुझे ऐसे करके जब ऐसे चुन्नी उड़ाई थी, अभी आप देखोगे वीडियो आगे, उस वो मोमेंट वाली फीलिंग जो है ना वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मतलब ऐसे करके तो मेरी आँखों में एकदम से आंसू आ गए और मुझे ऐसा लगा मुझे अपनी ना पूरी लाइफ याद आ गई, अब तक की जो मैंने बिताई मुझे पूरी लाइफ ऐसे मतलब हो गया, क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंड। और वो मोमेंट तो वही अलग ही था, मुझे ऐसा लगा था कि यार सब कुछ छूट रहा है पीछे का, और बहुत ऐसे इमोशनल मोमेंट था। जो रिश्ते मेरे छूट रहे हैं यहाँ पे उनके लिए मुझे दुख भी है। और तो यार गाइस, आप जो चाह रहे थे मतलब जो सोच रहे थे वो सही है, आई एम गेटिंग मैरिड। एक दो लोग तो ऐसे जो कंटिन्यू कमेंट हो रहा है जिनका पूरे उसमें वो पर sure. कुछ लोगों को तो बिल्कुल गेस वेस नहीं कर पाते। हाँ मतलब कुछ लोग होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता था। तो आपको आपके सवाल का जवाब आज फाइनली मिल गया है। और मुझे ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया ना, उन्हें थोड़ा सा हिंट हो गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें वहाँ बता दिया था। क्वेश्चन ये था कि आप व्लॉगिंग कंटिन्यू रखोगे या नहीं, तो गाइज मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँगी ऑब्वियसली, और आपको शादी के सारे व्लॉग्स वगैरह का मिलेंगे और बहुत सारा कंटेंट और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी आपको। और मैं ये न्यूज़ शेयर करने के लिए ना आप सब लोगों के साथ बेताब थी, मतलब बहुत ज़्यादा कि मैं आज मुझे करनी है। अब भी मुझसे मतलब मम्मी और मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी कि नेक्स्ट मंथ करियो, मैंने कहा नहीं यार अब वैसे भी आप में से कुछ लोगों को पहले ही पता चल चुका है, तो मैंने कहा यार छोड़ो कर देना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं होता भाई, जो लड़की शादी से इतना डरती थी ना, मैं पता एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसकी शादी हो रही है। ब्लॉगर कुछ दिन के लिए, नेक्स्ट क्लिप में आप वो वीडियो देखोगे, कुछ फोटोज़ वगैरह है वो देख लेना, और अपनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देके जाना, क्योंकि गाइस मुझे आप लोगों के ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा नीड है। सखियां ने सजना है, मैं भी सबर ना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, काश में दुपट्टे वाली मंगा सत के ते, फेस रिवील नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको मिंट मत करिएगा क्योंकि अभी हम नहीं करने वाले, शादी पे करेंगे ना। गाइस मैं ना उनका ना एक अलग वो बनाऊंगी व्लॉग रिवीलिंग माय हस्बैंड्स पे, और पहले ये दिखाऊंगी नखुमा नेल्स पे दिखाऊंगी उंगलियां, अंतरिक्ष से उतरा अंतरधूल जो नाखून दिखाएगी अलग टाइप का है, फिर ऐसे बाल दिखाऊंगी एक, और फिर धीरे धीरे स्लो मो में आता है ना एक एक बाल दिखेगी, बनेगा आराम से 20-30 घंटे का व्लॉग, यूट्यूब पे कह देगा मैं नहीं डालूंगा अपने चैनल उस पर, फिर ऐसे स्लो मो में दिखाऊंगी धूम तो ना ना वाला वो लगा दूंगी बैक। अच्छा वो व्लॉग इसका देखना ही बस, आप नो व्यूज कर दी गाइस, मेरा व्लॉग कैसा भी हो देखना है, मुझे बाहर बिठा रखा तो मैं जाऊं गाइस। अब आप वो वीडियो देखो और बस अच्छे अच्छे कॉमेंट करना, ब्लेस करके जाना। ओके गाइस, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, कुछ क्या बताना सोच ले। हाँ गाइस, शादी की डेट मैं रिवील करूंगी नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा हाँ, शादी की डेट रिवील नहीं कर रही, शादी की डेट तेरी है क्या, वो डेट जो है तुझे नहीं बताऊंगी, तू नहीं आनी चाहिए शादी में।